पिछले कई दिनों से विरार पश्चिम में महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध पार्किंग की हुई गाड़ियों को टोइंग करने का सिलसिला चालू है। उसी कड़ी में आज विरार पश्चिम स्थित पुष्पा नगर बस डिपो के यहाँ अवैध पार्किंग की ही कई गाड़ियों को टोइंग करके ले जाया गया। वहाँ पर उपस्थित महाराष्ट्र पुलिस ट्रैफिक सिपाही ज्योति फरकाटे के अनुसार आज लगभग 40 से 50 गाड़ियों को टोइंग करके ले जाया जाएगा, जिसका फाइन 500 रुपये अवैध पार्किंग एवं 200 रुपया टोइंग चार्ज लगाकर वापस गाड़ियों को रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो न्यूज वसई विरार समाचार, दिलीप कावेरिया। नो पार्किंग एरिया मध्ये कोणाच्या गाड्या असतील तर गाड्या काढून घ्या। बस डेपो मध्ये नो पार्किंग एरिया मध्ये कोणी गाड्या लावल्या असतील तर गाड्या काढून घ्या, अन्यथा गाडीवर टोइंग कारवाई करण्यात येईल। नो पार्किंग एरिया मध्ये कोणाच्या गाड्या असतील तर गाड्या काढून घ्या, अन्यथा गाडीवर टोइंग कारवाई करण्यात येईल। बस डेपो मध्ये नो पार्किंग एरिया मध्ये कोणाच्या गाड्या असतील तर गाड्या काढून घ्या, अन्यथा गाडीवर टोइंग कारवाई करण्यात येईल। We'll be right back.